वेलकम, मैं कंचन और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेस्ट 3 होममेड फेस पैक फॉर समर सीजन के लिए। वैसे गर्मियाँ ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं। ये सारे फेस पैक ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्किन ऑयली हो, एक्ने प्रोन हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन, इवन ड्राई स्किन वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इंग्रीडियंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये सारे फेस पैक 100% सेफ एंड नेचुरल है, जो हेल्प करेगा आपकी स्किन को क्लियर, ब्राइटन, ग्लोइंग एंड डिटैन करने के लिए। अगर आपको भी मेरी तरह DIYs एंड होम रेमेडीज लगाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी पाउडर प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक जरूर करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करेगा, ऐसे शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। एंड थोड़ा सा टाइम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह के स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप एंड कभी कभी फैशन ब्लॉग रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी के साथ फेस पैक लगाना पसंद करते हैं तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन से एक्ने एंड ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करते हैं, हमारे स्किन पोर से डर्ट एंड टॉक्सिन को पुल आउट करते हैं, जिससे हमारी स्किन सुपर क्लीन हो जाती है, स्पेशली समर्स में जब हमारी स्किन स्टिकी, ऑयली एंड स्वेटी हो जाती है, तब मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को रिज्यूनेट करने में बहुत हेल्प करता है। एंड हम मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड करके। नेचर तत्व का ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी लिया है मैंने, बहुत ही अच्छे इनके पाउडर होते हैं फेस पैक के। मैं 1 स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ और इसमें ऐड करूँगी 1/2 स्पून के करीब कॉफ़ी, आप कोई भी रेगुलर कॉफ़ी ले सकते हैं। देन मैं इसमें ऐड करूँगी AN का ऑर्गेनिक रोज़ वाटर और हमें इन सभी को मिक्स करना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अरोमा मैजिक का ट्रीटी एसेंशियल ऑयल, हमें सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालनी है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए, सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालना है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी को मिक्स करना है और इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, तब तक सारे इंग्रेडिएंट आपस में एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे। क्लीन फेस पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे, बट अराउंड आईज हमें इसे नहीं लगाना है। इस फेस पैक में हमने ऐड किया है कॉफ़ी, जो स्किन को रिज्यूनेट करती है, स्किन पर ब्राइटनेस लेके आती है। इसमें हमने ऐड किया है ट्रीटी, जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और आपकी स्किन पर इंस्टेंटली कूलनेस लेके आती है। रोज वाटर के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स होकर ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है स्किन पर। इस तरह से हमें अप्लाई करके इसे छोड़ देना है 15 to 20 मिनट के लिए। मुल्तानी मिट्टी को मैं फेस पर कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देती हूँ। आफ्टर 15 मिनट के बाद जब सेमी ड्राई हो जाता है फेस, तब मैं हल्का सा वाटर के साथ इसे रब करते हुए क्लीन करूँगी। इससे ना हमारा फेस डीप क्लीन भी हो जाएगा एंड देन मैं इसे वाइप ऑफ कर लूँगी। आप चाहे तो फेस को वॉश भी कर सकते हैं, बट फेस को ड्राई करने के बाद आपको टोनर एंड मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप मुलेठी के साथ इफेक्टिव फेस पैक अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपकी स्किन के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे विद हेल्दी रिजल्ट, तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मुलेठी एक हर्बल रूट होता है, जिसे लिकोराइस पाउडर और मुलेठी का पाउडर बनता है। मुलेठी के पाउडर में ना स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रोडक्ट आते हैं ना हर्बल वाले, उसमें लिकोराइस पाउडर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिर्फ आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग नहीं करता है, डिटैन नहीं करता है, बल्कि आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करता है और एक्सफोलिएट भी करता है। तो ये एज अ ग्रेट स्क्रबर की तरह भी वर्क करता है। बट हम मुलेठी के बेनिफिट को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड करके। नेचर तत्व का ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर ले रही हूँ, इसके पाउडर बहुत ही फाइन होते हैं। मैं 1 स्पून इसमें ऐड करूँगी, देन मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून के करीब नीम पाउडर, देन मैं लूँगी ऑर्गेनिक हनी करीब 1/2 स्पून के करीब। एंड इन सभी को मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ बॉयल राइस वाटर। आप घर पे बना हुआ राइस का वाटर भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो राइस पाउडर को बॉयल करके, ठंडा करके उसका पानी इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है। और इन सभी को मिक्स करके हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है और इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, जिससे सारे इंग्रेडिएंट एक्टिवेट हो जाए और हमें इसे क्लीन फेस पर इवनली अप्लाई करना है, अराउंड आइज हमें नहीं अप्लाई करना है। इस फेस पैक में हमने ऐड किया है नीम पाउडर, जो एक्ने और एक्ने के मार्क्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। हनी ऐड किया है, जो स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। हमने राइस वाटर यूज़ किया है, जो स्किन को ब्राइटर और टाइटन करने में हेल्प करते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट मिलकर बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं स्किन पर। अप्लाई करने के बाद हमें 15 to 20 मिनट तक वेट करना है, देन हम इसे रब करते हुए क्लीन करेंगे, जिससे ये हमें और ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आफ्टर रब मैं फेस को वाइप ऑफ कर ले रही हूँ। आप चाहे तो फेस को वॉश भी कर सकते हैं, बट फेस को ड्राई करने के बाद आपको टोनर एंड मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। थर्ड फेस पैक मेरा बेसन के साथ है, और बेसन जो है ऑलमोस्ट हम सभी के घर में होता है और बहुत इफेक्टिव वर्क करता है हमारी स्किन पर। बेसन हमारी स्किन से pH बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, हमारी स्किन पोर से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, एंड हमारे
स्किन के डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो डीपली क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। वैसे एशियन टाइम से हमारे जो इंडियन लेडीज़ होती थी ना, वो एवरीडे बेसन का यूज़ करती थी अपने फेस को क्लीन करने के लिए एंड स्क्रब करने के लिए, एंड तब ना अभी की तरह इतने स्किन इशूज़ एंड प्रॉब्लम नहीं होते थे, राइट। एंड बेसन जो है बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन से ना टैनिन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। बट हम बेसन के बेनिफिट को और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इफेक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड करके। 1 स्पून बेसन लिया है मैंने और इसमें ऐड करूंगी 1/2 स्पून ऑर्गेनिक ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1/2 स्पून लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हैं। देन मैं ऐड करूंगी बहुत थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं बट मैं कम ही रखूंगी। देन मैं ऐड करूंगी 1/2 to 1 स्पून के करीब दही, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने 1 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डाली है। इन सभी को मिक्स करने के लिए मैंने कुकुम्बर का जूस लिया है, आप किसी और फ्रूट का भी जूस ले सकते हैं लाइक पोटैटो जूस, ऑरेंज जूस और डाब का पानी, और आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है और छोड़ देना है 5 मिनट तक। इससे सारे इंग्रेडिएंट आपस में एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे। क्लीन फेस पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे इवनली, बट अराउंड आईज हमें नहीं अप्लाई करना है। फेस पैक में हमने ऐड किया है ऑरेंज पील पाउडर जो कि रिच है विटामिन सी से, जो हमारे स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं। हमने ऐड किया है दही जो हमारे स्किन को लाइटन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। हल्दी हमारे स्किन को निखारते हैं एंड ट्रीटी कुकुम्बर हमारे स्किन पर इंस्टेंट कूलनेस लेके आते हैं। फेस पैक को अप्लाई करना है, 15 to 20 मिनट तक वेट करना है। देन हल्का सा वाटर लेके हमें इसे रब करते हुए, मसाज करते हुए इसे वाइप ऑफ करना है। आप चाहें तो फेस को वॉश भी कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद फेस जो है स्मूथ, हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज हो जाती है। फेस को ड्राई करने के बाद मेक श्योर आप टोनर एंड मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। ये थे मेरे लिए 3 बेस्ट होममेड फेस पैक जो हमेशा से मेरे लिए वर्क करते हैं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि ऑयली स्किन वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। हमारी स्किन सबसे ज़्यादा स्टिकी, स्वेटी एंड ऑयली हो जाती है गर्मियों में, तो बहुत ज़रूरी होता है फेस पैक अप्लाई करना। ऑयली हो या ड्राई हो, सारे स्किन टाइप वाले इन फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन को क्लियर एंड ब्राइटन दिखाने के लिए मोस्ट नेचुरल तरीके से। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।